घोसी विधानसभा में उपचुनाव के बाद अब समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को ईवीएम की रखरखाव के लिए सक्रियता दिखानी पड़ रही है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी अपनी दम के आधार पर ईवीएम में छेड़छाड़ कर सकती है। इसको लेकर अब लगातार सक्रियता दिखाई जा रही है। ईवीएम को स्ट्रांग रूम में रख दिया गया है, चारों तरफ कैमरे लगा दिए गए हैं। उस कैमरे की एलईडी भी बाहर लगाई गई है। उसकी एलईडी के सामने अब समाजवादी पार्टी के नेताओं ने बिस्तर डालकर निगरानी रखना शुरू कर दिया है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में घोसी विधानसभा उपचुनाव के बाद लगातार सरगर्मी तेज रही, जहां मतदान के दिन लगातार समाजवादी पार्टी के नेता और कार्यकर्ता भाजपा पर धांधली का आरोप लगाते थे। वहीं अब ईवीएम को लेकर भी आरोप प्रत्यारोप का मामला शुरू हो गया है। जहाँ ओपी राजभर ने जीत तय की, दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता और नेताओं में हलचल मचने लगी है। आपको बता दें, ईवीएम को निगरानी रख रही सीसीटीवी कैमरा की एलईडी के सामने इस समय नेताओं ने पड़ाव डाल लिया है। चारों तरफ निगरानी रखी जा रही है। ऐसे में कड़ी निगरानी के साथ बताया जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी जीत के लिए किसी भी कद तक जा सकती है। ऐसे में निगरानी रखने के लिए लगातार नेताओं ने अपना पड़ाव डाल रखा है। आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में हुए घोषित चुनाव के बाद लगातार सियासत तेज रही। वहीं भारतीय जनता पार्टी ने इस चुनाव को अपना प्रतिष्ठा का चुनाव मान लिया, तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी कहीं पीछे दिखाई नहीं दी। लगातार जोर शोर से दोनों पार्टियों ने प्रचार प्रसार किया। मतदान के दिन समाजवादी पार्टी ने ताबड़तोड़ आरोप भी लगाए। ऐसे में अब मतगणना से पहले ईवीएम पर निगरानी समाजवादी पार्टी लगातार बनाए हुए है कि भारतीय जनता पार्टी कहीं ईवीएम के साथ खिलवाड़ न कर दे।